पत्नी को बेहोश कर मुंह में लगा दी एलपीजी पाइप, आरोपी की हुई फिल्मी ढंग से गिरफ्तारी। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 28। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन से आरोपी को मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर अपनी बच्ची के साथ फरार हो रहा था, लेकिन आरोपी के मोबाइल फोन को ट्रेस करके मुंबई पुलिस ने उसे इटारसी रेलवे स्टेशन के एक एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मुंब्रा की जीवन बाग बुरहानी इमारत में रहने वाले सहनवाज सैफी ने अपनी पत्नी सफत सैफी की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद वो अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर फरार हो गया। मुंबई पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। मैं आपको बता दूं कि दोनों का ही प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे। 1 सितंबर को भी झगड़ा हुआ और फिर शाहनवाज सैफी ने पहले अपनी बीवी सदफ सैफी को कुछ नशीली दवाएं खिलाई, फिर उसकी हत्या कर फरार हो गया। ये खबर दी है मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस निरीक्षक मधुकर ने। रसोई गैस का पाइप लगाया मुंह में और कर दी हत्या। पुलिस सूत्रों के अनुसार सदफ के बेहोश हो जाने के बाद उसके बदन को भी शाहनवाज ने कई जगह जला दिया और फिर रसोई गैस की पाइप सदफ के मुंह में लगाकर बाहर से घर का दरवाजा बंद कर अपनी 2 साल की बेटी को लेकर भाग गया। वहीं शाहनवाज की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की तो पाया कि वो मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर है। फिर मुंब्रा पुलिस ने इसकी सूचना इटारसी आरपीएफ को दी और ऐसे शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया।